नमस्कार, ममता बनर्जी की एक सांसद है, उनकी पार्टी से एक सांसद है, उनका नाम है मिमी चक्रवर्ती। और बॉलीवुड में जो इस वक्त ड्रग्स एंगल पर छापेमारी चल रही है और एक के बाद एक बड़ी अभिनेत्रियों का नाम सामने आ रहा है, इस पर मिमी चक्रवर्ती ने कुछ कहा है। क्या कहा है आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऐसा लगने लगा जैसे एनसीबी का दफ्तर फिल्म फेयर अवार्ड का सेट बन गया हो। एक से एक कलाकार वहां पहुंच रहे, अभिनेत्रियां वहां पहुंच रही हैं। आपने देखा दीपिका पादुकोण जो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हैं इस वक्त, वो भी पहुंच गई। लेकिन अब इसी पर मिमी चक्रवर्ती ने कुछ कहा है। मिमी चक्रवर्ती ने ट्वीट किया है, सबसे पहले वो आप ट्वीट देखिए और इसका हिंदी रूपांतरण यानी हिंदी में ट्रांसलेशन आपको बताते हैं मिमी चक्रवर्ती क्या कहती हैं। सांसद मिमी चक्रवर्ती ने व्यंग किया है, वो पूछ रही है कि जांच एजेंसी ड्रग मामले में पुरुष प्रधान समाज की महिलाओं का नाम ही क्यों ले रही है, जबकि पुरुष प्रधान अभिनेता का इसमें कोई उल्लेख तक नहीं हो रहा। मिमी चक्रवर्ती लिखती हैं, फिल्म इंडस्ट्री में पुरुष प्रधान सिर्फ खाना बनाने, सफाई करने और अपने साथी के लिए प्रार्थना करने के लिए हैं। ट्विटर पर मिमी आगे लिखती हैं कि बॉलीवुड में पुरुष प्रधान समाज की महिलाएं हैश ड्रग्स के अलावा भी कई दूसरे नशे करती हैं। बॉलीवुड में पुरुष खाना बनाते हैं, पकाते हैं, सफाई करते हैं और आंखों में आंसू भरकर अपने साथी की बेहतरी के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करे। मिमी चक्रवर्ती के कहने का मतलब यह है कि अभी तक ड्रग एंगल में सिर्फ महिलाओं का नाम ही क्यों सामने आया, पुरुषों का नाम क्यों सामने नहीं आ रहा। तो आपको मिमी चक्रवर्ती जी, जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि दो बड़े डायरेक्टर से पूछताछ हो चुकी है इस मामले में। उनका नाम आप अगर जानती होंगी, अगर बॉलीवुड से वाकई आपका कोई कनेक्शन है तो ज़रूर जानती होंगी, जिसमें एक तो असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा हैं और दूसरे क्षितिज प्रसाद हैं और दोनों धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। तो इनका नाम शायद आपने सुना ही होगा, ज़रूर, मुझे उम्मीद है। इसके साथ साथ कई और बड़े नाम रडार पर हैं, जिसमें एक तो करण जौहर हैं। करण जौहर हालांकि अभी तक इनकार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक करण जौहर पर संदेह के तलवार लटके हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर इसी तरह उनके खिलाफ सबूत मिलते रहे तो शायद बहुत जल्द हो सकता है कि उन्हें भी समन भेजा जाएगा। तो अभी तक आप देखिए ऐसा नहीं है। और दूसरी बात कि अगर ड्रग एंगल में किसी पुरुष का नाम सामने आता है तो एनसीबी उसे ज़रूर समन करेगी। ये सब एक कानूनी प्रक्रिया है, ये सब एक लीगल प्रोसेस है और उसी के तहत एनसीबी किसी को समन करती है। मिमी चक्रवर्ती को ये समझना चाहिए, क्योंकि वो टीएमसी से सांसद भी हैं और सांसद के नाते तो वो बखूबी जानती होंगी कि लीगल प्रोसेस क्या है। कुछ एडिटर्स ने भी, कुछ बड़े बड़े तथाकथित एडिटर्स ने भी इस पर सवाल उठाया था कि सिर्फ महिलाओं का नाम सामने क्यों आ रहा है, क्या पुरुष दूध पीते हैं, ये तमाम बड़े सवाल थे। लेकिन अभी इंतज़ार करिए, कुछ बड़े नाम सामने आएंगे। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल, हमें ऐसे भी ऐसा नज़रिया भी नहीं कर लेना चाहिए कि पुरुष प्रधान समाज में सिर्फ महिलाओं को सामने लाया जा रहा है या उनका नाम उछाला जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है, ऐसा अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जांच बहुत अर्ली स्टेज में है।